जब्बार खान, आप देख रहे हैं आरए टीवी न्यूज। जैसा कि राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी और वो आज मुंबई पहुंच चुकी थी। मुंबई में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बाबा फालूदा के पास खड़ा हूँ, सिटी हॉस्पिटल के पास। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का स्टेज लगाया गया था, जहाँ पे राहुल गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने लोगों को हाथ दिखाते हुए आगे बढ़ गए और कई सारे उनके फैन जो उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए तरस रहे थे, उन्होंने अपनी फ़ोटो भी खिंचाई। हम आपको बता दें कि अभी भी उन्हीं का काफिला आ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी काफ़ी सफल नज़र आई। काफ़ी लोग इसमें उत्साह के साथ देखने को मिले। पीछे माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी का स्टेज था, वहाँ की भी हम आपको झलकियाँ दिखाएंगे पूरी तस्वीरें कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा रही। आपका नाम बताइएगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कितनी देर से आप लोग यहाँ पर रुके हैं, कितने उत्साहित हैं और क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, मेरा नाम सैयद इनाम रिजवी है और इंतज़ार तो हम 17 जनवरी से कर रहे हैं, जब से वो मणिपुर से निकले हैं। ऐसा नहीं कि आज यहाँ आने वाले तो आज इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार काफ़ी टाइम से है। जब उन्होंने पहली भारत जोड़ो यात्रा की थी तब भी हम उम्मीद थी कि यहाँ से उतरेंगे, लेकिन तब यहाँ का प्रोग्राम नहीं बना था। लेकिन आज पूरे देश में माहौल बन चुका है, हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि एक भारत के नया परिवर्तन जो युवा शक्ति देख रही है, जो हमारे रोज़गार की बात वो कर रहे हैं, आज जो बेसिक मुद्दे हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की, रोज़गार की, और जो देश को नई दिशा में ले जाने की, जो पुराने उनके गांधी परिवार जो लेकर आए थे और ये बीच में 10 साल में जो इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने बर्बाद किए, उनको नई राह पे लाने की जो बात कर रहे हैं, उसी इंतज़ार से हम हमारे पूरे साथी, हमारे भाई मेराज भाई, ताहिर भाई, ये सब हमारे इसी उम्मीद के साथ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल जी आएंगे। जो उन्होंने वादे पूरे देश में किए हैं वही वादे वो हमसे भी करेंगे और हमें उनके वादे पे पूरा भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि करती कुछ है और बोलती कुछ है। अच्छा, आप लोग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है अब तक? तैयारी देखिए ऐसा है कि सारे आज आप देख सकते हो कि हमारी तमाम पब्लिक मौजूद है, हालांकि रमज़ान का पीरियड है, इतनी चिलचिलाती धूप है, कम से कम 35-40 की डिग्री धूप में भी लोग मौजूद हैं अपने रोजे में बिना अफ्तार किए। अभी बीच में ब्रेक लेकर गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर वापस आए हैं और वो चाहते हैं कि अपने हीरो, अपने नेशनल लेवल का जो हीरो है उनको देखें और काफ़ी करीब से देखें, उन्हें सुनने के लिए बेकरार है। वो जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे लिए क्या करने की उम्मीद रखते हैं, उस हिसाब से हम आने वाले। जैसा कि आप जानते हैं कि आप डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 20 तारीख हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन की मतदान डेट है और उस तारीख पे हम जाके अपनी जो ये उंगली है जो हमें 5 साल बाद एक बार मौका मिलता है करने का, यह हम इसको कांग्रेस के बटन पर दबा कर भारतीय जनता पार्टी को, जो कि इस देश की सबसे छोटी और भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसको एक करारा जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक स्टेज यूनिक स्टेज यही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जैसा कि आप जानते हो महाविकास आघाड़ी जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है, जिसमें शिवसेना है, जिसके अंदर NCP है और जिसके अंदर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है, तो ये महाविकास आघाड़ी जैसा कि भारत की एक तहजीब रही है गंगा जमुना समेत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी तरह से जो पार्टी हमारे शुरू से जो एकता बनाए हुए थे, ये हमारे ताहिर भाई है जो समाजवादी पार्टी से है, ये हमारे मेराज भाई, मैं खुद कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, तो हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये कितना भी ED CBI और जितना भी इनके पास सेंट्रल एजेंसी है उसका जोर लगा रहे, हम लोग बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे, चाहे वो कितना भी हमारे अंदर जहर भरने की कोशिश कर ले। हमारे बाकी जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी आप देख सकते हैं साथ में हमारे मौजूद है, वो भी कट्टर शिवसैनिक और हमारे NCP के समर्थक सब साथ में हैं, पूरे लोग यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद से हम 17 जनवरी से इंतज़ार कर रहे थे आज जाके उसका खात्मा होगा और 20 मई को हम उस लोकसभा के इलेक्शन में उसका जवाब देंगे। मेरा नाम ताहिर खान है, मैं समाजवादी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष 166-65 का। हम लोग यहाँ पे राहुल गांधी के आने की खुशी में पूरा इंतजाम किए, कि मेरा ही सब पूरा इंतजाम किया और शिवसेना समाजवादी और कांग्रेस मिलके हम लोगों ने सब पूरा सिस्टम बनाया कि आए। हम लोग इतने खुश हैं उनके आने से, क्योंकि ये BJP की सरकार जाना चाहिए और कोई ईमानदार आना चाहिए। अफ्तारी का भी इंतजाम ताहिर भाई ने माशाल्लाह कि लेट होने की वजह से हो जाए, कहीं उधर लेट हो जाए अफ्तारी में आने के टाइम, इसलिए अफ्तारी का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। आप सब रोज़ा रखे, इतना इंतजाम सब जितने भी हैं सब रोज़ा रखे हुए हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी साथ में हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट है, पूरा सहयोग है। ये सब देखते हुए हम लोग राहुल गांधी के लिए बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है, बस उनका इंतजार है वो कब आए और कब अपने लीडर को हम देख पाए। राहुल गांधी से मिलने क्या कुछ बात करें, क्या कुछ भाई राहुल गांधी सर को हमारे बॉस, हमारे आइडल, उनको मिलना ही पड़ेगा हमसे आज उनको हमसे मिलना ही पड़ेगा।
ये हम लोग ख्वाहिश हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरह वो हर जगह पे जाकर एक नेता को बुला के या एक आम आदमी को बुला के अपने पास बात करते हैं, उससे बात करते हैं, तो मेरी पर्सनली दिली ख्वाहिश ये है कि हमारे मोदू जो पिछले 20 साल से पूरा तरह से एक्टिव है इस कांग्रेस में, उनको बुलाए स्टेज पर, उनसे बात करें और वो खुद उनसे राहुल जी से बात करना चाहते हैं। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर ए टी वी न्यूज़। मैं फिर आज नई न्यूज़ के साथ अम्मा था।